आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एडेनियम की रूट्स को किस प्रकार से डेवलप किया जाता है एक अच्छे शेप में, और उसके बाद उन्हें किस प्रकार ट्रेंड किया जाता है। एक एडेनियम की रूट डेवलप करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए आपको एक अच्छा एडेनियम चाहिए होता है। तो मैं ढूंढ लेता हूँ एक अच्छा सा एडेनियम जो हमारे आज के रूट डेवलपमेंट के वीडियो का पार्ट बन पाए। ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस का एक भी रूट ट्रेंड मेरे पास है नहीं, तो मैं सोचता हूँ आज इसी को रूट ट्रेंड किया जाए। तो सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी रूट्स किस प्रकार की है। तो रूट्स नीचे से तो दिख नहीं रही है, तो सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑक्टोपस एडेनियम और इसी की रूट ट्रेंड करने वाले हैं आज। और सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सारा रूट स्ट्रक्चर जितना भी है वो सारा ही काट दूंगा मैं, उसके बाद नया रूट स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो पूरा वीडियो देखेगा दोस्तों, पूरा वीडियो बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर रूट डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से उसे वापस रिपोर्ट किया जाएगा दूसरा एडेनियम में, जिन पर मैंने रूट ट्रेंड पहले से ही कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आज के वीडियो में इसे निकाल लेते हैं। निकालने का वही पुराना तरीका हमारा, हल्का हल्का सा पॉट को इस तरीके से घुमाना है और सारी ही रूट्स बाहर आ जाएगी। ये देखिए, एडेनियम की सारी रूट्स बाहर आ गई है। सबसे पहले इन रूट्स को अच्छे से वॉश कर लेते हैं कि सारी जो लीव्स है वो मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि जब इसकी सारी रूट्स मैं यहाँ से काट दूंगा और जब काटने के बाद इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़े इसके कारण इनके सारी लीव्स को भी हटा दूंगा। तो इससे अच्छे से वॉश करने के बाद और लीव्स हटाने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसकी रूट्स बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दी है। यहाँ पर थोड़ा सा रॉट का लग रहा था लेकिन क्लीन है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अब इसकी करेंगे हम रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग में दोस्तों आप चाहें तो इसकी कुछ रूट्स रख सकते हैं, जैसे कि ये रूट है, ये अच्छे से डेवलप हो जाएगी इन फ्यूचर। लेकिन अभी क्या करूँगा मैं, इसकी सारी ही रूट जो भी है ये यहाँ से कट लगाऊँगा, इसको पूरा एडेनियम यहाँ से कट लगा दूँगा। तो आप देखते जाइए, आपको पता पड़ जाएगा। शार्प साफ टूल ले लिया हमने और इसी से कट लगाने वाले एडेनियम को, तो मैं पूरा ही काटने वाला हूँ इसे, यहाँ से काटूँगा, इसे कट लगाऊँगा। देखिए बिल्कुल शार्प एक बार में, ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से कट चुका है। ये रूट सब कुछ काम की नहीं है हमारी, इसे साइड में रख देते हैं। थोड़ा सा इसे साइड से इस तरफ से और काट देते हैं ताकि इसकी रूट्स डेवलप हो पाए यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से काट दीजिए आप, पूरे ही रेडियस पे। जब भी आप रूट ट्रेंड करने के लिए एडेनियम को सेलेक्ट करें ना, तो ये ध्यान रखिए वो हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं गला सा एडेनियम हो, आप उसकी रूट ट्रेंड करने वाले हों तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा और मर जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने इसके चारों तरफ इस तरीके से कट लगा दिया। अब क्या होगा, जो रूट्स डेवलप होगी वो यहाँ से डेवलप होगी। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा फंजीसाइड लगा देते हैं बेस पे, ताकि फंगस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। यहाँ पर फंजीसाइड लगा देते हैं इस प्रकार से, साइड में जहाँ आपने इसको काटा है रूट्स डेवलपमेंट के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का फंगस का प्रॉब्लम आपके एडेनियम पर नहीं हो। और इतना काफ़ी है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। ड्राई हो जाने के बाद क्या होगा कि आप जब तक इसका ये पार्ट जो है सूखा सूखा सा ना हो जाए, तब तक आप इसे ड्राई कर सकते हैं। और चाहें तो फिर दूसरा तरीका और अपना सकते हैं जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, और वो है फेविक्विक सुपर ग्लू यूज़ कर सकते हैं, जिस प्रकार मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके जो बेस है इसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि कोटिंग हो जाएगी, मतलब एक पार्ट अलग हो जाएगा आपका, डायरेक्ट सॉइल इसके टच में नहीं आएगा। इस तरीके से आप इसे, अब आपको फेविक्विक यहाँ पे नहीं लगाना है, कोने पे खाली बेस में लगाना है इसके, ठीक है। ये यहाँ पे फेविक्विक लग गया हमारा, थोड़ा सा इसे सूखने देते हैं।
और फ्रेंड 2 मिनट 3 मिनट बाद आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से हार्ड हो चुका है और अच्छे से रूट डेवलप हो जाएगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फेविक्विक लग किया है तो इसे मैं वापस से थोड़ा सा और काट देता हूँ ताकि यहाँ पर रूट डेवलप हो पाए। रूट डेवलपमेंट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो क्या है फेविक्विक के कारण क्या है कि रूट डेवलप होने में दिक्कत हो जाएगी, इस साइड से रूट डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, अगर आपके भी अरेनियम पे है तो आप इसे हटा दीजिए, एक बार और थोड़ा सा साफ़ कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए ये साफ़ हो गया है, चारों तरफ से रूट्स आराम से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इतना कट लगा दिया है, अब क्या करेंगे दोस्तों, एक ढक्कन लेना है आपको, कोई सा भी ढक्कन ले लीजिए थिकनेस के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से ये सही रहेगा इसके अंदर। तो इसे इस प्रकार रखेंगे और क्या होगा कि बाद में जब ये इसकी रूट डेवलप होगी तो इस तरीके से रूट इसकी यहाँ से निकल जाएगी और इसका कारण क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी रूट डेवलप नहीं होगी। जैसे पैक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर कोई भी रूट डेवलप नहीं होगी, सारी रूट साइड से निकलेगी और वही चाहिए हमें, सारी रूट साइड से निकले ना। आपको जैसे आपने ये ढक्कन लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा फेविक्विक लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है, और इसे हमें रखना है इसके ऊपर ताकि ये चिपक जाएगा इससे। ये चिपक चुका है दोस्तों, ये देखिए अच्छे से चिपक चुका है। तो अब अपनी सॉइल तैयार कर लेते हैं। डेवलप करने के लिए मैं सेम पॉट ले रहा हूँ और इसके अंदर भर दिया है मैंने सैंड, प्योर सैंड है ये, देख लीजिए नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन में काम आती वही सैंड है। वैसे तो मैंने सॉइल के अंदर भी इसे ग्रो किया हुआ है लेकिन सबसे अच्छा जो बेहतरीन रिजल्ट मिला है मुझे वो सैंड के अंदर मिला है, तो इसी के अंदर ग्रो करेंगे। इसे बराबर कर दीजिए और उसके बाद आपको लेना है अपना प्लांट सॉइल के बीचों बीच और ढक्कन को अंदर हल्के से प्रेस कर देते हैं इस तरीके से और ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी और सॉइल यानी सैंड। और इस तरीके से इसे कर देते हैं और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा फंगीसाइड ताकि फंगस का प्रॉब्लम नहीं रहे और रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाए। तो ये फंगीसाइड यूज़ कर रहा हूँ मैं साफ और अब इस पर कर देनी है आपको वाटरिंग। गर्मियों का टाइम चल रहा है तो सॉइल ज़्यादा अच्छे से ड्राई हो जाएगी और वैसे भी सैंड है हमारे सॉइल में कुछ है नहीं। नीचे से पानी गिरना शुरू हो चुका है और इतनी वाटरिंग हमारे लिए अच्छी रहेगी। और अभी रखते हैं इसे शेडी लोकेशन में, ब्राइट लाइट में, जहाँ पे इसे अच्छी सी रोशनी मिल पाए लेकिन शेड हो, डायरेक्ट सनलाइट में भी इसे रखना नहीं है। इस तरीके से अगर आप रूट डेवलप करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका प्लांट अच्छे से रूट डेवलप कर लेगा। अब आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कुछ और प्लांट्स का जिनकी रूट्स मैंने इसी प्रकार डेवलप की है। तो दोस्तों ये हमारा थाईसोको बीबीट और इसकी मैंने रूट ट्रेन करी थी जिस प्रकार आपको बताया है उसी तरीके से, और ऊपर से जब रूट डेवलप हो गई तो मैंने थोड़ा सा कोकोपीट भी यूज़ किया था क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है अभी, इसलिए मैंने इसके अंदर कोकोपीट यूज़ किया था। बाकी आप नीचे देख सकते हैं ये प्योर सैंड है, ये देखिए प्योर सैंड है खाली है और कुछ भी नहीं मिला हुआ है इसके अंदर। और मुझे लगता है अब इसकी रूट डेवलप हो चुकी है तो एक बार निकाल के देख लेते हैं किस प्रकार से रूट्स बनी है। इसकी भी रूट्स उसी प्रकार निकालेंगे और अभी इसे न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है, तो इसे न्यूट्रिशन भी मिल पाए। ये देखिए प्योर सैंड है और कुछ भी नहीं मिला हुआ इसके अंदर, ये देखिए। और रूट्स कितने अच्छे से ग्रो की है, सैंड का यही फ़ायदा है दोस्तों कि इसके अंदर रूट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। और अभी आपको दिख नहीं पा रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार साफ करके, ये देखिए कितने अच्छे से रूट्स डेवलप की है, चारों तरफ रूट्स देखिए आप कितने अच्छे से रूट्स डेवलप की है इसने। इसके अंदर का ढक्कन शायद मैं लगाया भी नहीं था तो भी अच्छे से फेल्यूर रूट से, लेकिन वो नहीं लगाया था दोस्तों इसके कारण देखिए यहाँ के अंदर कुछ रूट्स यहाँ पर भी डेवलप हो चुकी है। और ढक्कन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अंदर की तरफ रूट्स आपकी डेवलप नहीं होगी, तो कोई बात नहीं इसे रिमूव कर देंगे।
पानी से अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ इसका रूट स्ट्रक्चर, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये देखिए इसका रूट्स चारों तरफ से देखिए कितना अच्छे से रूट्स बनी है, ये देखिए। अब क्या करूँगा मैं इसकी जो भी पतली पतली रूट्स है उन्हें काट दूँगा और जो मेन रूट्स है वो रखने वाला हूँ मैं ताकि इसकी कुछ शेप दे पाएँ अच्छा सा। तो चलिए इसकी रूट्स ट्रिमिंग करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए इस तरीके से आपको एक एक रूट साफ़ करनी है बहुत ही आराम से, एक एक रूट को देखिए अंदर से बाहर से, ये देखिए इस साइड वाली साफ़ करती है मैंने कुछ कुछ, ये थोड़ी बहुत रह गई है इन्हें भी साफ़ कर देते हैं, ये से बाहर निकल रही है रूट्स इसकी, इसे हटा देते हैं ना। तो ये हो गई हमारी बिल्कुल क्लीन इस साइड से रूट्स, इसी प्रकार से इस साइड की भी सारी रूट्स क्लीन कर देंगे। तो ढक्कन नहीं लगाया था इसके कारण क्या हुआ, ये देखिए बीच से भी रूट्स डेवलप हो गई है ना, इसलिए बोल रहा था मैं आपको उसके अंदर ढक्कन का किसी भी ढक्कन का आप यूज़ करिए ताकि ये रूट्स डेवलप में होती है। और अभी तो ये कोई बात नहीं, छोटी सी है लेकिन बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत कर जाएगी, तो इन्हें मैं पहले से ही काट देता हूँ। तो अच्छे से इसकी रूट्स क्लीन हो चुकी है और फाइबर रूट जो भी पतली पतली रूट्स होती है मैं सारी हटा दी है, कुछ रह गई है वो मैं हटा दूँगा जैसे जैसे इसकी रूट्स दिखती जाएगी मैं हटाता जाऊँगा। सेलेक्ट आपको करना है कौन सी रूट्स आपको रखनी है, कौन सी आपको हटानी है या सारी आपको रखनी है, कौन कौन सी आप रूट्स रखना चाहते हैं। ये भी रूट्स काट देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो रूट्स है मुझे ये काटने वाला हूँ मैं रूट, आई थिंक मैं ऊपर वाली रूट को रहने दूँगा और ये काट दूँगा। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर रूट्स, ये रूट्स पीछे की तरफ जा रही है और ये अंदर की तरफ डेवलप हो रही है ना, तो इसे या तो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगी, लेकिन ये इसके निकट भविष्य में प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैं इस रूट को काटने वाला हूँ, ये वाली रूट, और ये दोनों रह जाएगी तो लुक अच्छा रहेगा काफ़ी। इसे और काट देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरीके से रूट को काटना। तो फाइनली इस रूट को मैंने काट दिया है और ये देखिए अब शेप थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा। इसे मैं अच्छे से साफ़ कर देता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो तो फ्रेंड्स चारों तरफ रूट्स अच्छे से डेवलप है।